अस्सलाम वालेकुम माय पेरेंट्स, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हमारा टॉपिक जो है वो है टॉपिक नंबर ओ, जो है सिचुएशन इन अफगानिस्तान सिंस 1979 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान की क्या क्या सिचुएशन थी 1979 से लेकर, और उसके क्या इम्पैक्ट पड़े पाकिस्तान पे। सो जो अफगानिस्तान की सिचुएशन थी, मतलब कि जब सोवियत यूनियन ने इन्वेजन की, इसके बाद जो है राइज ऑफ तालिबान, और इसके बाद लास्ट में ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट जो है कंट्रीज़ के दरमियान चल रहा है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। तो ये जो है पाकिस्तान को बहुत ही ज़्यादा इस पर इम्पेक्ट पड़ा, जो मतलब कि सोवियत यूनियन के साथ भी, जिस तरह जो अभी हमारा रशिया है उसके साथ जो रिलेशंस इतने अच्छे नहीं है पाकिस्तान के, तो वो भी इसी वजह से है कि जो है मतलब कि इस वॉर इन्वेजन की वजह से। फिर है कि उस पीरियड में जो है पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया, ये भी उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया उसकी कंट्री के, मतलब कि ये जो जो भी हमारे मसले मसाइल हो रहे हैं, ये टेररिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वो भी इसी की वजह से। अ मिलिटेंट ग्रुप दैट इमर्ज इन अफगानिस्तान इन द मिड 1990s एंड इवेंचुअली टुक कंट्रोल ऑफ द कंट्री। तो ये जो चीज़ें थी पास्ट में, जिनकी वजह से अभी भी पाकिस्तान को जो है वो बहुत सारे जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भुगतने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो बीन अक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग द तालिबान विच हैज़ स्ट्रेन्ड इट्स रिलेशनशिप विद द अफगानिस्तान। सो पाकिस्तान भी जो है वो अपनी मर्जी से ऐसी चीज़ों में नहीं जाता, उसे भी बहुत ज़्यादा उसको, एक तो वो बिल्कुल ही अफगानिस्तान की साइड पे था, और दूसरा इसको बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया था US की तरफ से कि अगर आप नहीं जाएंगे तो हम भी आपसे जंग करेंगे। तो उसे अपनी भी मतलब कि अपना भी बचाना था, अपने कंट्री के पीपल्स को भी बचाना था, तो वो इसमें कूद पड़ी। ठीक है, फिर आता है टॉपिक आपका ओ के बाद पी, जिसमें है कि पाकिस्तान के कुछ एनर्जी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करने हैं, उसके अलावा जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स और उसके फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स। पाकिस्तान के लिए जो एनर्जी के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसके जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, वो सबसे पहले जो है वो पॉवर्टी की वजह से जो है वो एनर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। फिर उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, वो किस तरह से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब पॉवर्टी जो है वो पाकिस्तान का बहुत ही मतलब कि हाई रेट पे पहुंच चुकी है, और इस इशू को भी जब तक रिजॉल्व ना किया जाए, की प्रायोरिटीज़ को ना दी जाए, तो ये जो है मतलब कि प्रॉब्लम तो एनर्जी का प्रॉब्लम तो पॉवर्टी नहीं है, लेकिन पॉवर्टी की वजह से जो है वो एनर्जी का प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रहा है। फिर है जो एजुकेशन भी एक क्रिटिकल फैक्टर है पाकिस्तान के लिए, जिसमें से सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स जो हैं उसके इम्प्रूव करने के लिए इसको अच्छा करना ज़रूरी है। फिर आता है हेल्थ भी जो है मतलब कि फॉर एग्जांपल बर्डन ऑफ डिज़ीज़ जब आ जाते हैं और उनको इम्प्रूव करना, और जो भी उसकी मतलब कि जो पीपल्स हैं, पॉपुलेशन है, उसको वेल बीइंग करना, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर है सैनिटेशन, एक्सेस टू सेफ वाटर एंड सैनिटेशन इज़ अ क्रिटिकल पब्लिक हेल्थ इशू इन पाकिस्तान। सो वाटर की जो मतलब कि स्कार्सिटी बढ़ गई है, तो ये भी पब्लिक हेल्थ के लिए जो है वो प्रॉब्लम, और ये मतलब कि अगर कहें कि थ्रेट भी है, क्योंकि अब UN की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में बहुत ज़्यादा वाटर स्कार्सिटी जो है वो पाकिस्तान में बढ़ जाएगी। तो मतलब कि ओवरऑल काम करने की चीज़ें एनर्जी प्रॉब्लम्स को डिक्रीज़ करने के लिए, ये जो पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन, एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक करने से ही ये जो है दूसरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फ्यूचर में भी यही प्रॉब्लम्स जो हैं वो थ्रेट बन सकती हैं, और इसके अलावा इकोनॉमिकली भी जो है वो चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं।
Empowerment of women in Pakistan faces significant social and economic barriers, and empowering women is essential for achieving sustainable development. तो जिस तरह से मैन जो है वो डेवलपमेंट के लिए काम कर सकता है, तो वुमेंस भी जो हैं वो भी काम कर सकती हैं, तो उनको भी इक्वल प्रायोरिटीज दी जाएँ. ठीक है, इसके बाद आती हैं पाकिस्तान एनर्जी प्रॉब्लम्स में, मतलब कि कौन सा जो लास्ट है ह्यूमन एम्पावरमेंट का, ह्यूमन राइट्स. ह्यूमन राइट्स जो हैं वो ओवरऑल ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, जो भी दूसरे ममालिक हैं उनमें भी प्रायोरिटी दी जाती है उनको. गवर्नमेंट कैन एड्रेस दिस इशू बाय स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ लॉ, protecting human rights defenders and implementing policies to prevent discrimination and protect the rights of marginalized communities. Human rights को सबसे पहले जो है वो prevail करने के लिए सबसे पहला role जो है वो government का है, जिसमें उनको rule of law और मतलब कि human rights defenders और मुख्तलिफ policies उसको prevent करने के लिए बनानी है. उसके साथ साथ ह्यूमंस का भी है कि वो आपस में एक दूसरे को राइट्स दें. मैं ओवरऑल सबको ब्लेम नहीं करूँगी, एक ही चीज़ को ब्लेम नहीं करूँगी कि उन्होंने ये नहीं किया. इश्यूज़ के साथ साथ मतलब प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती है, लेकिन हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना चाहिए. फिर आता है एट द एंड ओवरऑल टॉपिक का कंक्लूजन, जो हमने CSS में भी और PMS दोनों में लिखना होता है. In conclusion, addressing socio-economic problems in Pakistan will require a multifaceted approach that includes investment, infrastructure and human rights development, social safety net programs and policy reforms to promote inclusive growth and protect human rights. तो सबने साथ ही काम करना है, क्योंकि जो गवर्नमेंट में भी लोग होते हैं वो भी एज अ पब्लिक ही होती है, पब्लिक में से ही जाते हैं, साथ मिलके काम करें और हमें अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिक्रीज करनी है, ताकि हमारा जो मुल्क है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में आ जाए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ टॉपिक. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक, देन यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन. इफ़ यू लाइक अवर वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.